हेलो फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम इन द चैनल स्टडी विद अस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी की फर्स्ट सीरीज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर वन है, साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज, राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, सोलेनेसी, ट्यूबरोसम, एलियम सेपा और आइजा सटाइवा एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज और आइजा सटाइवा। जो हमारे पास सोलेनेसी ट्यूबरोसम है, ये हमारा पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम होता है, और जो हमारे पास एलियम सेपा है, ये हमारे अनियन का बायोलॉजिकल नेम होता है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, राइस इज बिलोंग टू विच फैमिली? राइस है जो वो किस फैमिली से आता है? ऑप्शन ए है हमारे पास ग्रामिनी, लिलिएसी, सोलेनेसी एंड ब्रासिकेसी। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामिनी। जो राइस है हमारा, वो ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन कल्टिवेटेड राइस इज, क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है कल्टीवेटेड राइस में? ऑप्शन है 14, 18, 24 एंड 22। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, राइस में है जो क्रोमोसोम का नंबर 24 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है, हाइट ऑफ द राइस प्लांट इज, राइस प्लांट की हाइट कितनी होती है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 0.5 to 1.5 meter इज द हाइट ऑफ द राइस प्लांट। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जो इंडिया में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेट है? कटक, न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड करनाल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये है हमारा, कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है मैक्सिको, फिलीपींस, वाशिंगटन एंड स्विट्जरलैंड। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में है जो हमारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन है, कल्टीवेटेड राइस ओरिजिनेटेड इन, कल्टीवेटेड जो राइस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो ऑप्शन है हमारे पास साउथर्न चाइना, जेंजेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिंदू कश माउंटेन्स। तो हमारा जो कल्टीवेटर राइस है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ये हुआ था हमारा साउदर्न चाइना से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर एट है, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस इंडिया स्टैंड एट नंबर, राइस के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा जो पोजिशन है वो है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें सेकेंड, इंडिया का पोजिशन है सेकेंड, और फर्स्ट पोजिशन है इसमें चाइना। चाइना राइस का लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रिपेयर फ्रॉम राइस, राइस से कौन सी ड्रिंक बनाई जाती है? देखो राइस के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं जिसमें वो अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने का काम भी करता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, जुंथो, एपो, लुंगरी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो ड्रिंक्स हैं ये बनाई जाती हैं हमारी राइस से। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्योरिंग लंग डिजीज, लंग डिजीज को ठीक करने में भी चावल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें ऑप्शन है सिराई, रंगभद्र, नाग केसर एंड बेसियर। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो नाग केसर है ये हमारा लंग डिजीज के लिए यूज होता है, जो कि एक वैरायटी है हमारे राइस में ही मेडिसिनल वैल्यू में। और अगर इसमें अगर आपको पूछे कि सिराई कहाँ यूज होता है, तो सिराई है जो ये हमारा जनरल वीकनेस के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई पूछे कि रैग भेदर है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो रैग भेदर हमारा गैस्ट्रिक एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, गैस्ट्रिक एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही जो बेसियर है हमारा, ये नॉर्मल हमारा जो हेडेक वगैरह है अगर किसी को, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ऑप्शन से हमारे पास कानपुर, न्यू दिल्ली, लखनऊ, करनाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, करनाल में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, द इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर इज लोकेटेड एट, मैक्सिको, न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन एंड स्विट्जरलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको है जो वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर है जो वो लोकेटेड है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉडर्न वीट ओरिजिनेटेड इन मॉडर्न वीट कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? कैरा कैटगेग माउंटेन्स, इंडियन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स एंड यूरोपियन माउंटेन्स। तो हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैरा कैटग माउंटेन्स है जो वीट का ओरिजिन हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ सीरियल्स? तो किंग ऑफ सीरियल हमारा है जो वो वीट है, वीट को हमारा किंग ऑफ सीरियल कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन वीट स्टैंड्स एट नंबर, वीट हमारा कौन से नंबर पे आता है? तो वीट हमारा आता है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा राइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम ऑफ द प्लेस वेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च इज लोकेटेड? तो इट्स एन रिपीटेड क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ये है हमारा करनाल हरियाणा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टाइप ऑफ वीट इज मोर प्रेफरेबल फॉर मेकिंग पेस्ट्रीज एंड केक? पेस्ट्रीज और केक बनाने में भी इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वीट का, तो वो किस टाइप का वीट होता है? वो होता है हमारा सॉफ्ट वीट। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम ऑफ द प्रोटीन विच मेक्स द डफ इलास्टिक? जो डफ हम बनाते हैं नॉर्मली वेयर से, उसको इलास्टिक कौन बनाता है? तो उसमें एक नॉर्मली एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटेन, जिसकी वजह से वो डफ है जो वो बनता है। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, विच फैमिली बिलोंग्स पोटैटो? पोटैटो हमारा किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, विच फैमिली पोटैटो बिलोंग्स टू? पोटैटो किस फैमिली से बिलोंग करता है हमारा? तो पोटैटो है जो हमारा, पोटैटो बिलोंग्स टू, ठीक है। तो पोटैटो हमारा ऑप्शन है आपके पास सेपिंडेसी, लिलिएसी, रोडिएसी एंड सोलेनेसी। तो पोटैटो हमारा सोलेनेसी फैमिली से आता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, इस पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है? तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है इसमें सोलेनम ट्यूबरोसम। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? तो हमारा जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वो लोकेटेड है शिमला में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज लोकेटेड एट? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हमारा लोकेटेड है, ऑप्शन है आपके पास मैक्सिको, फिलीपींस, पेरू एंड स्विट्जरलैंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कल्टिवेटेड पोटैटो ओरिजिनेटेड इन? हमारा जो कल्टिवेटेड पोटैटो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? साउदर्न चाइना, साउदर्न अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड ईरान। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, साउथ अमेरिका से है जो हमारा कल्टिवेटेड पोटैटो है जो उसका ओरिजिन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में पोटैटो का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? इंडिया एंड रशिया, इंडिया, रशिया, चाइना और यूएसए। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पोटैटोज इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो वाज ऑब्जर्व्ड इन? पोटैटो का इंटरनेशनल ईयर है जो हमारे पास वो था 2008 को डिक्लेयर किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है, बेस्ट प्लांटिंग सीजन फॉर पोटैटो इन मिड हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज? ऑप्शन है जनवरी टू फरवरी, मार्च टू अप्रैल, मई टू जून एंड जुलाई टू अगस्त। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए, जनवरी टू फरवरी हम है जो पोटैटो को उगा सकते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, नेम ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ग्रीन पोटैटो ट्यूबर? तो ग्रीन पोटैटो ट्यूबर में है जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कहते हैं ग्लाइको एल्कोलॉइड सोलेनाइन, विच इज प्रेजेंट इन द पोटैटो ट्यूबर। क्वेश्चन नंबर 28, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन पोटैटो? पोटैटो में कौन सा विटामिन पाया जाता है? B12, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसमें पाया जाता है विटामिन B6, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है हमारा ब्राजील, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज नोन एज द चाइनीज केन? चाइनीज केन किसे कहते हैं हम? तो चाइनीज केन हम कहते हैं सैक्रम साइनेंस, जो
एक स्पीशीज है हमारे गन्ने की, उसे कहते हैं हम चाइनीज केन। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जो हमारा एग्ज़ाम है लाइफ स्टॉक ऑफिसर का, उसके एडमिट कार्ड भी हमारे जारी हो चुके हैं, तो आप UK SSSC की साइट से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।